जय हिंद दोस्तों। हाल ही में नई सरकार बनने के बाद किसानों के बीच कर्ज माफी जैसे मुद्दे सुनने को मिल रहे हैं। आइए हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि छत्तीसगढ़ में कर्ज माफी होगी या नहीं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में किसान खेती करने के लिए बैंकों से ऋण लेते हैं, परंतु चुनावी साल में सरकार कर्ज माफी जैसे लोक लुभावन जैसी घोषणा करके किसानों के आर्थिक बोझ को कम करने का काम करती है। यदि हम पिछले सरकार की बात करें तो भूपेश सरकार ने लगभग 18,82,000 किसानों का कर्ज माफ किया था। भूपेश सरकार ने सरकार बनते ही लगभग 9,270 करोड़ रुपए का अल्पकालीन ऋण माफ किया था। अब यदि नई सरकार की बात करें तो यदि सरकार किसानों के कर्ज को माफ करती है तो हमें इनके आंकड़ों को समझना होगा। यदि आंकड़ों की बात करें तो इस वर्ष लगभग 14,82,000 किसानों ने सहकारी बैंक से ऋण लिया है। आपको बता दें कि इन किसानों ने लगभग 6,900 करोड़ रुपए से ज्यादा कृषि ऋण लिया है। इसके अतिरिक्त आप सभी को बता दें कि किसानों ने राष्ट्रीय बैंकों से भी 5,000 करोड़ रुपए तक का ऋण लिया है, यानी कि छत्तीसगढ़ के किसानों ने कुल मिलाकर लगभग 12,000 करोड़ रुपए तक का ऋण लिया है। दोस्तों, इन आंकड़ों को देखने से यह पता चलता है कि जब नई सरकार अपने घोषणा पत्र में कर्ज माफी जैसे बातों को नहीं रखती है तो संभावना यही रहती है कि वह नई सरकार बनने के 2 से 3 साल के बाद कर्ज माफी का ऐलान कर सकती है। वहीं वर्तमान में नई सरकार किसानों को बोनस देने के लिए घोषणा कर चुकी है, इसलिए फिलहाल अभी कर्ज माफी जैसा कोई विकल्प सामने नहीं है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस विषय से काफी कुछ जानने को मिला होगा। तो मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।